नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं सब लोग? बड़े मैम आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है नए सब्जेक्ट की, हीलिंग विद कार्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी। एंड सब लोग ये क्लास बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा वेट करें लोगों को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि काफी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, तो काफी लोग हैं क्लास में। तो और थोड़ा 5 मिनट वेट कर लेते हैं। मैम, आपने वेबिनार में कहा था कि पहले दिन कुछ कार्ड्स वगैरह देने हैं, कुछ हीलिंग के मॉडल बताना है, कुछ आपने ऐसा बताया था। मैं सब आपको धीरे धीरे बताती हूँ कि एक तो क्या करना है इस क्लास के बारे में, दूसरा कैसे इन चीजों को लेना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताती हूँ, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी, तो ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, लोग तो काफी है। मैं एक बार मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप पे, सब लोग ज्वाइन तभी करें जल्दी से। हाँ जी, आप बताइए प्रवीण जी, आपको क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई कि भाई कार्ड में क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपकी क्वेरीज को पहले क्लियर कर दूं, फिर एक नॉर्मल जनरल बात मैं सबसे करूंगी। नहीं मैम, आपने कहा था जब आप कार्ड हमने सिलेक्ट किए थे ना, आपने उसमें 7-8 रैंडम कार्ड सिलेक्ट किए थे। हाँ, तो उसमें आपने कहा था कि कुछ मतलब जैसे ऊपरी हवा है या समथिंग कुछ डिस्टरबेंस है ब्रदर को लेकर के, तो आपने कहा था कि जो पहली क्लास आएगी तो आपको हम पहले उपाय मैं आपको बताऊंगी। अरे सारे ही स्विच ऑफ हो गए, सबके कैमरे, कोई नहीं दिख रहा मुझे। नमस्ते मैम, कैसी हैं? सुधा मैम नमस्ते, आपका स्पीकर बंद है। हाँ स्पीकर बंद है, ठीक है मैं ओके। तो सबसे पहले नरेंद्र जी भी आ गए हैं, और थोड़ा मेरे ख्याल से 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं। तो जो कार्ड निकले थे ना उस दिन प्रवीण जी, जी जो कार्ड निकले थे, उन सब कार्ड्स का ना एक हीलिंग होता है सब कार्ड के साथ, तो वो हीलिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही ये क्लास आपकी शुरू होगी, आपका अट्यूनमेंट होगा, उसके बाद आपको मैं वो सारी हीलिंग बताऊंगी, फिर आप उस हिसाब से हील करेंगे। जी जी, श्वेता जी इज ऑलमोस्ट रेडी विद पैन एंड पेंसिल्स। सो एक्चुअली जो ये कार्ड्स है, मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, काफी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, वो सब उसमें भी सुन सकते हैं। सो जो ये गॉडेस आइसिस है ना, ये गॉडेस आइसिस बहुत पॉपुलर है उन लोगों में जो लोग हीलिंग्स में है, या जिनको पता है कि इस तरह की जो गॉड एंड गॉडेसेस होती है, इनकी पावर्स क्या होती हैं। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, स्पेशली गॉडेस आइसिस की, जिनके ये कार्ड बने हैं। और जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था उनका फोटोग्राफ, एक सेकेंड है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये है गॉडेस आइसिस, और यही कार्ड हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका एक मैं जो है पिक्चर लेके आपके ग्रुप पे डाल दूंगी, तो वहां पे आप ये सब कुछ
देख सकते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि हमको बल्क में कार्ड मिल जाएं तो सस्ते भी पड़ेंगे और ओरिजिनल होने चाहिए तो वो उनकी एनर्जी भी अच्छी होगी। सो जब हमने ये शुरू किया था वेबिनार, वो टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो गॉडेस आइसिस हैं वो मिस्र की या इजिप्शियन कल्चर की सबसे पावरफुल देवी हैं, ठीक है। और ये वहां जैसे हमारे 9 प्लेनेट है, ऐसे वहां पे भी 9 देवी देवता हैं, तो जिनमें ये सबसे सुंदर मानी जाती हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती हैं, गॉडेस आइसिस। तो जो ये कार्ड है, ये कार्ड सारे उनकी लाइफ की कहानी के ऊपर बने हुए हैं। जितना आप उन कहानी को समझेंगे उतना ज्यादा उनकी हीलिंग को समझेंगे, और आपको ये पता होगा कि अच्छा ये कार्ड अगर आया है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे और भी राइडर वेट्स कार्ड होते हैं या ओशो ज़ेन कार्ड होते हैं, हर कार्ड की एक कहानी है। कभी कोई बहुत स्पिरिचुअल कहानी है, कभी कोई प्रैक्टिकल कहानी है, कभी कोई पैसे से रिलेटेड कहानी है, तो हर कार्ड के पीछे कहानी होती है। तो जो ये कार्ड बने हैं गॉडेस आइसिस के, वो ये कार्ड उनकी ही लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। तो क्योंकि ये बहुत पावरफुल देवी थी और बहुत ज्यादा इनका पावर था वहां पे, तो इनकी एक कहानी है कि सबसे पहले तो ये है गॉडेस ऑफ लव, हीलिंग। हीलिंग में मतलब जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं ना, चिकित्सा जिसको बोलते हैं, वो उसकी देवी है। दूसरी वो फर्टिलिटी की देवी है। फर्टिलिटी से मतलब किसी को अगर बेबी नहीं हो रहा हो तो वो गॉडेस आइसिस के साथ अगर मेडिटेशन करेगा तो उनको ये पॉसिबिलिटी है कि उनको बेबी हो जाए। सो वी हैव न्यू मेंबर टुडे, तरुण जी। तरुण जी, कैन वी सी यू? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, सो आप पहली बार आई थिंक मेरी क्लास में आए हैं। आई डोंट नो आप कितने टाइम से एकेडमी में हैं, आप बताएंगे थोड़ा अपने बारे में, क्योंकि बाकी सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं सबको जानती हूँ, आपको छोड़ के। जी, मैं डैलस टेक्सास से हूँ, रिसेंटली जॉइंड एकेडमी, एक वीक BNN ज्वाइन किया था। अच्छा, एक ही अच्छा। तो बस यही है, ओकल्ट की जर्नी लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर से है। तो एस्ट्रोलॉजी में एंटर की, एंड देन स्लोली एंटरिंग ट्रांजिट, सैटर्न ट्रांजिट हुआ 8th हाउस ओवर केतु, सो एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ थिंग्स, सडनली इट स्टार्टेड, आई डोंट नो व्हाई। सो व्हाट यू सेड, वेयर फ्रॉम, वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम डैलस टेक्सास, यूएस। अच्छा, टेक्सास से। ओके ओके ओके, सो यू आर नॉट इन इंडिया? No, I'm in so how you managing the time? It's okay for you to take the class at this hour? Thoda sa tough hai. I'm just balancing my meetings and everything. So thoda sa wo rehta hai. Great. Usually. So you really want to learn? I'm a knowledge seeker guy. It's really nice. Aap wo itna difficult ho jata hai yahan wahan sab dono sides se join karna. Exactly. So wahi thoda thoda class miss hoga, lekin but I catch up with my recordings. आपने वहाँ पे कभी गॉडेस आइसिस का नाम सुना है? नहीं, दिस इज न्यू। अच्छा, दिस इज न्यू। सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। सो द स्टोरी इज कि गॉडेस आइसिस, जैसे इजिप्शियन के बारे में लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी है, वहां पे बहुत कुछ होता है, का मतलब बहुत सारे हीलिंग मेथड हैं, वहां के इजिप्ट के पिरामिड्स हैं। ये जो जगह थी वो रिच इन कल्चर थी, रिच इन व्हाट टू से, जैसे होता है ना कि जैसे उन्होंने लिखा है ना कि ट्रीटमेंट्स या चिकित्सा की देवी है वो आइसिस, तो हर्ब्स का यूज करना, जितनी भी पावर्स हैं स्टार्स की और प्लैनेट्स की और जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी पावर के बारे में ये लोग बहुत जानते थे।
इनको पता था कि इन एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है या इनको कैसे यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए. वहां पे बहुत बड़े, आज भी जो बहुत सारी पुरानी जो चीजें आ रही हैं, जैसे मेरे पास एक ज्योमेट्री है जिससे पूरी बॉडी रेजोनेट होती है अपने आप. सिर्फ आपको उसके ऊपर 30 मिनट्स पर डे लेटना होता है, ठीक है. वो भी इजिप्शियन से आई है. आपका किडनी का प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हो, डजंट मैटर, ये वो जो ज्योमेट्री है. और आप उसको देखेंगे, वो ज्योमेट्री जैसी भी ज्योमेट्री हो, पता नहीं क्या उसमें सील वील बनी हुई है. खैर वो हमको बताया जाता है कि कैसे बनाना है, वो अजीब ही चीज है. सो उन लोगों को पता होता था ये ज्योमेट्री को कैसे यूज करना है. तो ये जो जगह थी, ये पूरा जो कंट्री था, ये जो देश था, ये एक तो उसका जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है. और इनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है. मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट कल्चर, दैट कंट्री. ओके, पॉजिटिव चीजें पढ़ रहे हैं हम उस कल्चर के बारे में और उसकी पॉजिटिविटी के बारे में और क्या हीलिंग्स उनको पता थी उसके बारे में. लेकिन इनका एक नेगेटिव पार्ट भी था, ठीक है. वो हमारे देश से, हमारे कल्चर से बिल्कुल नहीं जुड़ता. हमारे दिमाग में वो चीजें जाएंगी नहीं और समझ में नहीं आएगी अच्छा ऐसा कैसा है. तो वो बहुत सारी चीजें जो हमको रेजोनेट नहीं करेंगी. पर एज अ पार्ट ऑफ दिस कार्ड मुझे वो बताना जरूरी है, क्योंकि जो देवी देवता है उनकी तो अपनी पावर्स ही है, मगर वो उन पावर्स के लिए उनको क्यों जाना जाता है. तो सबसे पहले गॉडेस आइसिस, द गॉडेस ऑफ लव, हीलिंग, गॉडेस ऑफ लाइफ, ओके, फर्टिलिटी, मदरहुड, मैजिक. जो मैजिक वर्ड है ना, इसको आप हमेशा याद रखिए, बिकॉज ये वर्ड ही आपकी पूरी जर्नी में आपको काम आएगा. थैंक यू नरेंद्र जी आपका कैमरा ऑन करने के लिए. सो जो अगर आप गॉडेस आइसिस की कोई भी तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें दो तरह के पिक्चर्स आपको दिखेंगे. एक जिसमें वो शी इज अ क्वीन, जो रूलर होती है ना क्वीन, तो शी इज अ क्वीन और उनके सर के ऊपर मून दिखेगा आपको. और या आपको एक फेस दिखेगा जिसमें उनके ये ऐसे पर है पूरे खुले हुए बहुत लंबे से, ठीक है. तो ये जो उनकी ये दो उनके पास पावर्स थी, मतलब कुछ देवी देवता अगर आपने देखे होंगे, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जैसे अभी तरुण जी से बात हो रही थी और आई थिंक नरेन जी भी जानते ही होंगे, बाकी सर को तो पता ही है कि हमारे कुछ देवी देवता मून से रिलेट करते हैं, कुछ देवी देवता हमारे सन से रिलेट करते हैं. ये दो तरह के होते हैं. जैसे देवियां जनरली सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं, जितने हमारे देवता हैं शिव जी और दूसरे, वो सब मून को रिप्रेजेंट करते हैं. बट बेसिकली उल्टा है, मतलब देवियां एक्चुअली जो फेमिनिन क्वालिटी है वो आती चंद्र से है. तो जो उनके ऊपर चंद्र का जो आप देखोगे, आज आप लोग सब गूगल करना, मैं चाहती मैं आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखा सकती थी, लेकिन मेरे का ये है कि आप लोग और ज्यादा कनेक्ट करेंगे जब आप खुद उनके फोटोग्राफ्स देखेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे वो दिखती हैं. सो ये जो उनका जो रूप है, एक तो पहली चीज, सी वॉज द मोस्ट पावरफुल गॉडेस. 9 देवी देवताओं में उनके भी 9 देवी देवता था जिसमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल थी और सबसे ज्यादा पूजी भी यही जाती हैं. तो ये सबसे ज्यादा पावर, इनका नाम ना ये लोग इसित बोलते हैं, आइसिस नहीं बोलते, इसित. तो अगर आप इसित नाम लेते हैं और आइसिस बोलते हैं, दोनों की पावर में भी बहुत डिफरेंस है. अगर आप मन में चैंट करें इसित और फिर बोले आइसिस, दोनों की पावर में आपको डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि इससे जो है वो उनकी लैंग्वेज में उनको वो बोलते थे. ये एक चीज है. सो इसका मतलब जो होता है, जो इससे है, इसका मतलब होता है सिंहासन या क्वीन ऑफ थ्रोन. सो शी वॉज वेरी पावरफुल. और दूसरा, वहां पे जो रूल था, जैसा मैंने सेमिनार में भी बताया, वो अपने ही सगे भाई बहनों में उनकी शादी होती थी. उसके दो रीजंस थे, एक तो ये कि ब्लड लाइन को प्योर रखना, दूसरा जो हमारा साम्राज्य है
वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई आएगा या बाहर कोई जाएगा तो उसका वो बंटवारा हो जाता है ना। तो ये दो रीजंस थे कि जिसकी वजह से वो अपने ही भाई बहनों में, सगे भाई बहनों में ही शादी करते थे। ठीक है, अब क्योंकि ये देवी जो हैं, इनका ये तब की बात है जब इस धरती पे ना कोई रूल नहीं था, मतलब कोई रूलर नहीं हुआ था। सो जो गॉडेस आइसिस थी, यहां से पहली बार रूल करना क्या होता है, साम्राज्य बनाना क्या होता है, लोगों को जीना सिखाना क्या होता है। जैसे होता है ना, एक राजा जो कर सकता है अपनी प्रजा के लिए, चाहे उसको कैसे डिसिप्लिन करना है, लोगों को कैसे बताना है कि तुम्हें कैसे जीना है, ये पहली बार इन्होंने इस धरती पे शुरू किया था। इसके पहले कोई राज्य नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ठीक है, जो इनके जो फादर हैं वो थे गैप स्काई और मदर थी नट अर्थ। ठीक है, सो ये चार भाई बहन थे। अब इसमें भी ना बहुत सारी चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, किसी को नहीं पता, क्योंकि इन लोगों ने भी बड़ा छुपा छुपा के अपना रखा हुआ है कि भाई कौन क्या था, कौन क्या नहीं था, किसने क्या किया। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेगी कि ये इन्होंने तो ये बोला था लेकिन इसमें तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि जो लिखा है वो किसी ने लिखा है, जितना उनको पता चला उन्होंने उस हिसाब से लिखा है। ये जो बात है ये जीसस क्राइस्ट के पहले की बातें हैं, उनसे भी बहुत पहले की। ठीक है, तो ये जो इनके मदर फादर की भी एक स्टोरी है, जैसे एक होता है आकाश और एक होता है धरती। ठीक है, आकाश और धरती कभी मिल नहीं सकते, करेक्ट। और ये इन दोनों की ये संतानें हैं। सबसे पहले तो इनके थे ओसायरस जो इनके हस्बैंड और इनके भाई दोनों थे, फिर नेफ्थिस जो इनकी सिस्टर थी, एंड देन सेट जो इनका ब्रदर था, और ये गॉडेस आइसिस। ये चार भाई बहन थे, इसमें से ओसायरस और ईसिप इन दोनों ने शादी की थी, नेफ्थिस एंड सेट ने शादी की थी। तो ये चार भाई बहनों ने ऐसे आपस में शादी की थी। सो वेयर इट इज स्टार्टेड, अच्छा पहले इनका आप सुन लीजिए। जो सेट थे वो रेगिस्तान युद्ध और तूफान के, मतलब वो बोलते हैं ना कि को रिप्रेजेंट, हमारे चंद्र है वाटर, मून को रिप्रेजेंट करते, ये युद्ध रेगिस्तान और तूफान को रिप्रेजेंट करते थे। और ये जो है नेफ्थिस, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस जो लोगों को होता है ना, ये उसकी देवी है। ये सब मैजिकल क्वालिटीज के लोग थे, क्योंकि दे वर द प्योरेस्ट वन ऑन द अर्थ, क्योंकि उस समय कोई फैमिली नहीं हुआ करती थी। इस धीरे धीरे करके इन्होंने धरती पे फैमिली परिवार बनाना शुरू किया। सो ऐसे ओसायरस क्या थे, ये जो है ना अंडरवर्ल्ड जो दुनिया है, नीचे की जो दुनिया है उसको रूल करते हैं ये। और ऐसे इनकी जो सिस्टर थी नेफ्थिस, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस के अलावा वो बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड थी, और उन वो एक तरह की कैसे ना हीलिंग क्वालिटीज उनमें भी थी, जैसे प्रोटेक्शन है। नियर डेथ एक्सपीरियंस में हमको क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्शन, राइट। तो ये उसका उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये गॉडेस आइसिस का तो मैंने बता ही दिया आपको कि गॉडेस आइसिस तो अपने आप में ही गॉडेस ऑफ मिरेकल एंड मैजिक। तो इनका क्या हुआ कि कहानी वहां से शुरू होती है जब पृथ्वी पे कुछ नहीं था, केवल डार्कनेस थी और वाटर था और कुछ नहीं था। तो डार्कनेस एंड वाटर में क्या था कि एक तो तुका करके एक गॉड थे जिन्होंने एक माउंटेन बनाया जिसका नाम था वैनमेन माउंटेन। ओके, क्योंकि ऐसा कुछ तो बनेगा, लाइफ ऐसे तो नहीं चलेगी बिल्कुल डार्क एंड डम। उन्होंने एक और गॉड थे जो वाटर के अंदर थे, उनका नाम था ऑटम। ये गॉड थे, अब वो गॉड भी हो गए बोर, उन्होंने कहा आप क्या करें, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं, कुछ करने को है नहीं, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया जिनका नाम था शीत एंड टेनेंट। तो ये जो उनके दो बच्चे थे, इसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। तो इन ये दोनों जो लड़का लड़की घूमने चले गए, उन्होंने कहा चलो हम पूरी दुनिया देख के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये जब दोनों घूमने चले गए तो ये जो
ये दोनों जो थे इनके बच्चे थे नेट एंड गैप, अगर कहीं कंफ्यूजन हो आपको बता देना, मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजन था ये सब पूरा समझ के रखना पूरी कहानी, क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो थे गैबेनेट जिनसे ये सारी फैमिली हुई, गॉडेस आइसिस एंड एवरीबॉडी। तो ये दोनों ने क्या किया, जैसे जब ये पैदा हुए थोड़े बड़े हुए, इन्होंने कहा कि चलो हम घूम के आते हैं, तो ये जो आटम थे ये रोने लग गए, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे चले गए, पता नहीं सेफ है कि नहीं है। तो उन्होंने उनको वहां से अपनी आंख भेजी कि मैं अपनी आंख भेजता हूँ और इनको ढूंढ के लेके आने दो। तो वो जब आंख गई तो उनके बच्चों को वो दिखी और वो वापस आ गए, लेकिन क्योंकि धरती पे कोई और था ही नहीं, यही दो लड़का लड़की थे, तो इन ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, तो उन्होंने शादी कर ली। तब इनके बच्चे जो हुए वो नेट एंड गैब हुए, ठीक है। तो जब ये हुए तो इनका इनका भी वही रहा कि हम दोनों आपस में शादी करेंगे। जो ऑटम, जो गॉड ऑटम थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, तो उन्होंने उनको अलग कर दिया, एक को आकाश बना दिया और एक को धरती बना दिया, बोले नहीं तुम मिलोगे नहीं। लेकिन उससे पहले कि ये सब होता वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उनके चार बच्चे हुए, तो आइसिस और आइसिस नेफ्सिन एंड जो लास्ट वाले थे सेट, ये चार उनके बच्चे तब तक हो चुके थे, मतलब तब तक वो प्रेग्नेंट थी तो ये चार बच्चे आ चुके थे, तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये इनकी पूरी स्टोरी है। सो जब ये सब हो गया, जब ये बच्चे आ गए, इनकी शादियां हो गई, तो क्या हुआ कि ओसाइरिस और आइसिस इन दोनों का पेयर बहुत अच्छा था, इन्होंने रूल किया धरती को, एक तरह से एक रहने की जगह बनाया और सबको सिखाया कि कैसे रूल करते हैं क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज सेट को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि भाई ऐसे कैसे, मैं भी तो इस घर का लड़का हूं, मुझे भी रूल करना है। तो सेट ने क्या किया, एक दिन ये जो ओसाइरिस थे इनको एक पार्टी में बुलाया, लेकिन पार्टी में बुलाने से पहले इनके रूम में गए, जब ये रात को सो रहे थे ओसाइरिस, इन्होंने पूरा उनका मेजरमेंट लिया और उतना बड़ा एक ताबूत बनवा दिया। ताबूत बनवाने के बाद उन्होंने एक पार्टी करी और उसमें इनको ओसाइरिस को बुलाया और उन्होंने एक गेम किया कि भाई देखो ये जो ताबूत है इसके अंदर देखते कौन फिट होता है, क्योंकि वो उनके ही साइज का था, तो सब लोग लेटे उनके सारे फ्रेंड्स, कोई भी उसमें फिट नहीं हुआ, केवल ओसाइरिस उसमें फिट हुए। सो उनको नाइल उसमें, उन्होंने जैसे वो उसमें फिट हुए और लेट गए, उन्होंने उसको बंद करके उसको नाइल नदी में फेंक दिया और सबको बोल दिया कि वो तो मर गए। तो उससे आइसिस, गॉडेस आइसिस बहुत ज्यादा दुखी हुई कि भाई अरे ये तो मेरे हस्बैंड तो मेरे से बिछड़ गए, कहाँ गए, क्या हुआ, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो डेड है, जबकि वो एक्चुअली मर चुके थे। अब वो बहते बहते जो है, वो जो ताबूत था, बहते बहते वो एक जगह पहुंचा जहां पे उसमें ट्री निकल आया, लेकिन बिकॉज गॉडेस आइसिस अपने आप में मैजिकल पावर्स रखती थी तो उनको ये तो पता था कहीं ना कहीं है, पर उन्होंने ये बात अपनी सिस्टर से शेयर की और जिन्होंने मदद की उनकी उनको ढूंढने में, और उन्होंने उनको ढूंढा, लेकिन जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तो वो ऑलमोस्ट डेड थे। तो जब वो आइसिस ने बोला अपनी सिस्टर को कि प्लीज आप देखो, मैं जाकर के सारी जड़ी बूटियां लेकर के आती हूँ और उसके बाद मैं इनको ठीक कर दूंगी, क्योंकि वो गॉडेस ऑफ लाइफ भी हैं। तो वो जब बाहर गई, उतने में इधर सेट को पता चल गया कि भाई इन्होंने तो ढूंढ लिया। तो इससे पहले कि वो वापस आके उनको हील करके जिंदा कर देती, उसने क्या किया कि उसको कुछ लोग बोलते हैं 14 टुकड़ों में और कुछ लोग बोलते हैं 42 पीसेस में उनको काटा और उसको सब जगह फैला दिया, सो दैट वो कभी भी उसको जिंदा ना कर पाए। 42 पीसेस जहां भी फेंके गए वहां हर जगह, जब आइसिस ने उनको ढूंढा, आइसिस ने अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया कि पूरा जो वर्ल्ड है वो देख पाती वो उनके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि इतने सारे पीसेस को ढूंढना आसान काम नहीं था। तो उन्होंने इतनी अपनी पावर बढ़ाई कि उन्होंने सारे पीसेस को धीरे धीरे ढूंढा और जहां जहां जो जो पीसेस था वहां वहां टेम्पल्स बने हुए आज भी इजिप्ट में 42 टेम्पल्स हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ लोग 14 बोलते, पर मेरे हिसाब से 42 ही होंगे क्योंकि इतने सारे टेम्पल्स तभी बने। उन्होंने उन पीसेस को जोड़ा, जोड़ के उनको पट्टियों से लपेटा, पूरे पीसेस को। आप पट्टियों से लपेटने को हम क्या बोलते हैं इजिप्ट में?
मम्मीज। तो ये जो मम्मीज बनाने का कल्चर जब जो शुरू हुआ वो यहां से हुआ। अभी क्या हुआ था कि जब वो मिले और जब ओसायरिस ने थैंक यू बोला उनकी वाइफ को और उनकी सिस्टर को कि भाई आपने मेरे को उनको थोड़ी देर के लिए ही वो जिंदा कर पाई। पर कुछ स्टोरीज में ऐसा बताया जाता है क्योंकि जब वो मर के जिंदा हुए थे तो उनका उनके अंदर पावर्स नहीं थी ज्यादा, मतलब आई मीन टू से बॉडी वाइज, नॉट मैजिकल पावर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बॉडी वाइज वो कंप्लीट नहीं थे इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया, ठीक है। लेकिन कुछ कहानियों के हिसाब से ओसायरिस जो है वो वापस, उनकी डेथ हुई और वापस वो चले गए, लेकिन उनको अंडर वाटर जो अंडरवर्ल्ड का उनको राजा बना दिया गया था, ऐसा अलग अलग कहानियों का कहना है। तो अब आगे क्या होता है कि जब वो जिंदा हुए थे तो उस समय वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इनके बेटे का नाम होरस है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये इनके ही मतलब भाई बहन थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये गॉडेस आइसिस के बेटे थे, पर मुझे जो ठीक लगता है वो ये कि इनके ही बेटे थे वो, ओसायरिस एंड आइसिस के बेटे थे वो। तो उन्होंने उसको छुपा के रखा गॉडेस आइसिस ने, और जब वो बड़े हुए होरस तो उन्होंने होरस की आई जो है बहुत ज्यादा बड़ी हीलिंग आई मानी जाती है। ये सब आपके इसमें आने वाला, ये जो स्टोरी आज मैं सुना रही हूँ ये पूरी स्टोरी नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि मैं पूरा पूरा बता, जब जब ये कार्ड खुलेंगे एक नई स्टोरी खुलेगी उनकी और एक नई हीलिंग आप सीखेंगे कि कैसे ये लोग हीलिंग करते थे। सो ये पूरी कहानी में हीलिंग है, मैजिक है, फर्टिलिटी है, लाइफ को लेना भी है और लाइफ आ भी रही है, तो ये सारा कुछ आपको ये कार्ड्स में दिखेगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कि जब ये जो होरस थे वो बड़े हो रहे थे कहीं, जो नेट को सेट को पता नहीं था, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने चैलेंज किया कि भाई आओ मेरे से युद्ध लड़ो क्योंकि मैं वारिस हूँ इस पूरे देश का और आपको मेरे से लड़ना पड़ेगा। तो उनकी आंख में कुछ हो गया था जो दोबारा से गॉडेस आइसिस ने ठीक की, और इसलिए आई ऑफ होरस इज वेरी वेरी फेमस इवन इन जापान, बहुत सारी चीजों में ये आई ऑफ होरस मेडिटेशन के टाइम एज अ सिंबल आपने बहुत जगह देखी भी होगी, बहुत फेमस है। ओके एक मिनट, ये इसी इन्हीं कार्ड्स में है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं कुछ सिंबल्स आपको दिखाऊंगी जो आप, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इनको कैसे यूज करते हैं। आपने जितनी भी पिक्चरें देखी हैं आज तक इजिप्ट के ऊपर, आपने सबकी आंखों के ऊपर नीला नीला देखा है, सबने कोई बता सकते हो ब्लू ब्लू क्या है, क्या है वो ब्लू ब्लू, किसी को नहीं पता? एक मिनट में बताती हूँ, मैं देख रही हूँ इसमें आयो फोरस किधर गया। No, maybe I missed it. But, हाँ ये देखिए आप इसमें देखो, आप ये अलग से फेस नहीं लग रहा आपको, आई जैसे रिपेयर करके ही लगाई गई हो, इनको हील किया गया था, इनको वापस हील करके ये दोबारा से दिया गया था। इवन ये फेस जो है ना उनका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इन्होंने जब फाइट की थी उसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही ओसायरिस की डेथ हुई थी, जैसे ही उनको नील नदी में फेंका था, पूरी तरफ तबाही मच गई थी, लोग परेशान हो गए थे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए भी होरस ने अपने अंकल को कॉल किया था युद्ध के लिए क्योंकि वो शांति वापस लेके आना चाहते थे। ओके
तो यहाँ पे इनकी कहानी खत्म हो जाती है क्योंकि वो हार गए थे डेफिनेटली सेट्स जो है, लेकिन उनको उस मारा नहीं गया था क्योंकि देवर काइन, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे ब्लड लाइन से इनको हम मारेंगे नहीं, जो इन्होंने किया वो हम नहीं करेंगे। तो उनको मारा नहीं गया था लेकिन हाँ उनको कैप्चर करके रखा गया था। उसके बाद वापस शांति रिस्टोर हुई, पीस रिस्टोर हुआ और आगे चीजें बढ़ी। सो देखिए एक बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें, ओके एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। इसके अलावा इसमें आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी जानने को मिलेगा कि हाउ हिस्ट्री वॉज रिलेटेड टू द क्रिस्टल, ओके हिस्ट्री में क्या था। और जो गॉडेस आइसिस है उनसे रिलेटेड जो है एनिमल्स थे, काउ स्कॉर्पियो और स्नेक। तो आप जितनी भी इनकी फोटोग्राफ्स देखेंगे उसमें स्कॉर्पियो काउ और स्नेक आपको दिखेगा उनके सर पे। और ये हमेशा एक लंबा गाउन पहनती है, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, शी वॉज वेरी फेमिनाइन। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत परफेक्ट फेमिनाइन बॉडी स्ट्रक्चर है। वो अपने आप पर रिप्रेजेंट करता है द पावर ऑफ फीमेल, पावर ऑफ द शक्ति पार्ट ऑफ अ वुमन। क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं, जो चौसर योगिनी मंदिर है वहां पे भी आप जाएंगे तो देवियां कैसे दिखाई गई हैं, परफेक्ट बॉडी शेप। ये बॉडी शेप के बारे में नहीं है, ये फेमिनिटी के बारे में है कि फर्टिलिटी के बारे में है, ये उस बारे में है कि हाउ पावरफुल दे आर, दे कैन प्रोड्यूस समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो गॉडेस आइसिस भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं कि एक औरत के अंदर फर्टिलिटी होती है, वो कुछ क्रिएट कर सकती है। और गॉडेस आइसिस ने तो अपने पति को जिंदगी में वापस लेके आया था फॉर सम टाइम ओनली, पर आई थिंक सब लोग बोलते हैं क्योंकि उनके उनके प्राइवेट पार्ट को मछलियां खा गई थी इसलिए उनको वापस राजा नहीं बनाया जा सकता था ऐसा, क्योंकि उसको भी उन्होंने रिपेयर किया था लेकिन बिकॉज इट वॉज नॉट द ओरिजिनल बॉडी ऑफ ओसायरस इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया था, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं वो वापस उनकी डेथ हो गई थी और उनको वो धरती के नीचे का पूरा राज उनको दे दिया गया था। तो ये सारी स्टोरी है, स्टोरी समझ में आई सबको कि कहाँ पे पावर्स थी गॉडेस आइसिस में और क्यों उनको इतना माना जाता है, क्योंकि वो जो कर सकती थी वो कोई नहीं कर सकता था। वो लाइफ दे सकती है, वो मैजिक कर सकती है, वो मिरेकल कर सकती है, तो अगर क्यों उनको गॉडेस ऑफ लव, हीलिंग, फर्टिलिटी, मदरहुड, मैजिक, गॉडेस ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है। तो मैं व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस स्टडी तो मुझे ये लगा कि जैसे हम एक गॉडेस के बहुत सारे रूप होते हैं, तो अगर आपको किसी को फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो आप उनको सीधे सजेस्ट कर सकते हो कि आप गॉडेस आइसिस का सामने फोटो लगा के आप मेडिटेट कर सकते हो, आपको गुड न्यूज मिलेगी। इवन यू कैन गिव 9 months टू अ पर्सन की 9 महीने में आपको एक गुड न्यूज मिल सकती है, मतलब विद इन 9 months कभी भी वो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। एंड दीज एनर्जीज आर वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। सो गॉडेस आइसिस का मैंने आपको फोटो दिखाया था एंड प्लस सी देयर इज अ फायर आल्सो ऑन हर हेड, सो शी वाज एबल टू कंट्रोल द एलिमेंट्स। चंद्र तो मैंने आपको बोला था, ये तब हुआ था जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और शी वाज अवेयर कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है और मुझे जाके देखना है। तो ये आपको उस समय के सारे फोटोग्राफ्स उनके डिफरेंट दिखेंगे, एनर्जी बहुत अलग होगी। और जब वो बहुत हेल्दी या हैप्पी होंगे या राज-काज कर रही होंगे अपने हस्बैंड के साथ तो उनके फोटोग्राफ्स आपको ऐसे आएंगे। अब आप इसमें देखिए, इसमें स्नेक्स हैं, राइट। सो जो आप में से अगर किसी ने जो एनिमल हीलिंग वर्कशॉप किया होगा उनको पता है स्नेक क्या रिप्रेजेंट करता है, काउ क्या रिप्रेजेंट करता है और स्कॉर्पियंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं।
इवन इजिप्ट में ये कल्चर बहुत बाद तक रहा, जहां पे रानियों ने बहुत राज, क्लियोपेट्रा की कहानी अगर सबने सुनी हो तो, यू नो क्लियोपेट्रा तो अपने पास जहर रखती थी, एक जहर बुझी वो सर में पिन लगा के रखती थी, कोई कहता था कि उनके पास एक छोटी सी डिब्बी रहती थी जिसमें कुछ था ऐसा कि कभी वो पकड़ी जाएं या कभी कोई उनको ऐसा लगे कि लोग अब उन्हें मार देंगे तो पहले ही जहर खा के खत्म कर लो, एक्चुअली वो मरी हुई वैसे ही थी, तो जो रखोगे वो कभी ना कभी काम तो आएगा आपके, तो कॉन्सेप्ट इज दिस। सो वहां पे जो ये कॉन्सेप्ट था भाई बहनों में शादी करने का, उसके रिजल्ट्स बड़े खराब हुए थे बाद में, जहां पे भी ये होता है बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं कि इतनी बुरी बीमारियां हुई हैं लोगों को कि जैसे कि लिवर पूरा काला पड़ जाना, एंटेस्टाइन का ऑलमोस्ट खत्म हो जाना, फेसेस अजीब अजीब से होना, क्योंकि जितना ब्लड लाइन आप प्योर रख रहे हो उतनी इम्प्योरिटी भी तो बढ़ रही है एक साथ। सो दैट इज वाई इन आर कंट्री हम लोग अपने सगे भाई बहनों में क्या कजिन्स में भी शादी नहीं करते, गोत्र बचाते हैं ना वो, हम अपना वो प्योर करते हैं, पापा के साइड का जेनेटिक्स अलग, मम्मी के साइड का अलग, दोनों में से कोई मैच नहीं होना चाहिए तभी शादियां होती हैं। तो वो बहुत अच्छा है, बच्चे हेल्दी रहते हैं, लॉन्ग लाइफ रहते हैं, अलग तरह के जीन्स डेवलप होते हैं, अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक जैसा नहीं होता सब कुछ, क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं था तो ये सब होता था। सो नाउ अब आपने जो ये देखा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकी लाइफ में जो हुआ उन्होंने हर चीज को फिर से रीस्टैब्लिश किया अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड को वो लेकर के आई, उन्होंने अपने बेटे को लाइफ दी और उसको संभाल के रखा, उनके अंदर मैजिकल पावर्स थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के 42 पीसेस को वापस जोड़ा और उनको वापस जिंदा किया, मतलब वहां पे कोई इतनी बड़ी पावर तो थी उनके पास कि वो उन्होंने उसने सेट ने कितना भी बुरा चाहा लेकिन वो हो नहीं पाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि हमको वो पावर्स उनकी याद रखनी है जब भी कोई भी चीज ऐसी आती है। अभी आप जो और भी कहानियां हैं जो मैं कार्ड्स जब निकलेंगे उनके हिसाब से आपको बताऊंगी। तो आज हम दो चीजें करेंगे, एक तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग फ्लावर ऑफ लाइफ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि सोल रिट्रीवर जो एक्सरसाइज है उससे आप लोगों की लाइफ में जितने भी ट्रॉमास हुए हैं, जितनी भी टाइम आप परेशान हुए हैं अपनी लाइफ में जिसमें आपने बहुत बार ऐसा फील किया कि सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है मेरे, मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या होता है आपके सोल में बहुत वीकनेस आ जाती है। अगर आपको बहुत बुरी तरह से कोई मार दे, मतलब जान से नहीं, मारे पीटे, तो आपकी सोल को भी तकलीफ होती है। या आप किसी ऐसे वक्त से गुजरे जब आपका कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो और आप उस ऑपरेशन से बाहर निकलते, तब भी आपकी सोल को बहुत तकलीफ होती है। एक्चुअली एनेस्थीसिया देने के बाद आपकी सोल आपकी बॉडी में कभी वापस नहीं जाती, वो आपके ऑरा में ही रहती है और उसी से आप चलते हो। इसीलिए हमेशा ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ बदलती है, कोई भी ऑपरेशन के थ्रू आप गए होंगे, नेचर बदलेगा, स्ट्रेंथ में चेंज आएगा हमेशा। सो जितनी भी मॉडलिटीज मैं जानती हूँ उसमें हम उसको री इंटीग्रेट करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी में आपकी सोल भी हमेशा, जो आप पैदा हुए वो नहीं होती है, वो सोल चेंज होती रहती है, एज बीइंग आप वही रहते हो, लेकिन वो है ना कि मेरा जो प्रेस है, प्रेस होती है ना जैसे कपड़े आयरन प्रेस करते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि स्पार्क की जरूरत होती है ना, वो स्पार्क जो आप, वो जो प्लग आप लगा रहे हो, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो चेंज होता है, वो वायर आपका पूरा चेंज होता है, क्योंकि एज बीइंग आपके थ्री सोल मॉलिक्यूल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं लेकिन आपकी सोल में भी चेंजेस आते हैं। देयर इज अ मॉडलिटी जिसमें जब भी आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे अब नहीं जीना, द मोमेंट यू डिसाइड आई डोंट वांट टू लिव, आपकी सोल बाहर होती है और 10 सोल खड़ी हो जाती हैं जो फालतू होती हैं कि भाई चलो हमें आने दो अब। तो आपका जो बॉडी है ना वो घर बन जाता है सोल्स का, फिर वो जैसे होटल रूम होते हैं ना, एक यहाँ रहेगा, एक वहां रहेगा, एक वहां रहेगा आपका बॉडी। दैट इज वाई व्हेन यू डिसाइड कि मुझे नहीं जीना, आपका एटीट्यूड हमेशा हेवाय चला जाता है।
आपकी बॉडी को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और आपको लगता है अरे ये पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, बट आपको ये पता नहीं होता कि सम टाइम समवेयर यू हैव डिसाइडेड कि मुझे नहीं जीना, इसीलिए ये सब चल रहा है आपकी बॉडी में। तो हमें उसमें से मोस्ट पोटेंट मोस्ट पावरफुल जो सोल होती है उसको चूज करना पड़ता है और उसको हमको इंटीग्रेट करना होता है क्योंकि स्पार्क तो चाहिए। तो सोल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है जानने के लिए, जो धीरे धीरे हम जब पीएलआर वीएलआर वापस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सोल की जर्नी होती है, किस तरह से सोल डेवलप होती है, किस तरह से ये इतनी पावरफुल गॉडेस आइसिस क्यों थी, हम में से लोग इतने पावरफुल क्यों नहीं है, कौन सी स्टेज में हमारी सोल चल रही है। सो एक्चुअली जितनी भी देवी देवता इस दुनिया में आए हैं, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर से आए हो, ईस्टर्न कल्चर से आए हो, चाहे कहीं से भी आए हो, उनकी एनर्जी आज भी इस पूरे एनर्जी फील्ड में है। आप जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके पास लव, हीलिंग, फर्टिलिटी, मदरहुड या मैजिक की आपको जरूरत है, या आपको मून एनर्जी से कनेक्ट होने की जरूरत है, इसलिए आप इस क्लास में आए हैं। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना है। कोई पार्ट आपका लाइफ का यहाँ पे, जो लेडीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप देखिए आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके बच्चों से बहुत अच्छा होगा, और आज तक आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा होगा आपके और आपके बच्चों के रिलेशनशिप में, तो वो सारी चीजें होंगी। तो आप सबसे पहले आपका अट्यूनमेंट करते हैं, ठीक है। एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली, ओके। पानी अगर आप लोगों को पीना है तो पी सकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, सो इफ यू वांट टू। मैम कैन वी स्टार्ट इन 2-3 मिनट्स इफ इट इज ओके? या इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। आप एकदम कंफर्टेबल हो जाइए बिकॉज इट्स अ वन टाइम प्रोसेस, जो लोग आज नहीं कर पाएंगे उनको हम बाद में करवाएंगे। और मैम वैसे इन फ्यूचर हम रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से, पर एक होता है ना लाइव एनर्जी, वो अलग बात होती है। लाइक आई एम गोइंग टू कॉल हर, आई एम गोइंग टू टेल हर टू बी प्रेजेंट हियर फॉर दिस अट्यूनमेंट, आई एम गोइंग टू टेल हर टू ब्लेस ऑल ऑफ यू, सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, किसी को हेल्थ इश्यू है या जो भी है, बिकॉज शी इज द गॉडेस ऑफ हीलिंग ऑल्सो, तो वो भी आपको सब मिलेगा। तो आपको माइंड में जो आपको हीलिंग करना है ना, वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको कहाँ ब्लेसिंग्स चाहिए, ओके? कहानी अच्छी लगी आप सबको? मुझे लगता है नरेंद्र जी काफी कुछ जानते हैं इस कहानी के बारे में, इज इट? आप क्या जानते हैं नरेंद्र जी, आप बताइए, क्योंकि बहुत सारी कहानियां मैं जब पढ़ रही थी इनके बारे में, बाप रे टू मच इज देयर। मैम बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है और मैं हुडो से भी जुड़ा हुआ हूँ, हुडो कल्चर में हम इनकी हेल्प लेते हैं। वुडू? वुडू, वुडू। वो जो वुडू डॉल्स बनती है? नहीं नहीं, वो तो एक जस्ट छोटा सा पार्ट। अच्छा वो वुडू, वुडू, अच्छा अच्छा हाँ, वो वुडू एक अलग से भी होता है ना, अलग मैजिक है वो, उसमें गॉडेस और पूरी जो भी आपने बोला ना, वो सबकी हेल्प लेते हैं। अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे है, मैंने कहा इतना मैं नाम बताऊंगी तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके बारे में जान रहे, फाइनली वो पता चले। बहुत अच्छे रिचुअल्स होते हैं उनके, बहुत बहुत अच्छे होते हैं, पावरफुल रिचुअल होते हैं, तो उसमें हम मल्टीपल कैंडल्स को, हर्ब्स को, ऑयल्स इनके, यस यू आर वेरी राइट, उनके जो रिचुअल्स होते हैं उसमें हर टाइम कैंडल्स होते हैं, बहुत बहुत पावरफुल। ये लोग जैसे मैंने अभी वो दिखाया था जिसमें उनके सर के ऊपर फायर था, तो इट्स काइंड ऑफ यू आर इंक्लूडिंग वन एलिमेंट इनटू योर पेयर, लाइक हमारे अभी तो यज्ञ करते हैं ना सब। तो आप क्या क्या हील करते हैं नरेंद्र जी थ्रू दैट रिचुअल? मेनली मेनली एक तो फर्टिलिटी पे, और जब मैं कहीं ब्लैक मैजिक में कहीं अटकता हूँ तो उनकी हेल्प बहुत शानदार मिलती है, मतलब
फाइव रिचुअल्स में सब सेट हो जाता है। वाओ, हाँ बहुत पावरफुल है। तो ये रिचुअल्स आप लोग भी लर्न करने वाले हैं? आपको मुझे नहीं पता कि सी एक तो क्या होता है, मैंने आपको एक शब्द बोला, उस शब्द को आपने एज इट इज लिया और आपने वो काम, मतलब एक सेंटेंस जैसे बोल दिया मैंने कि चलो रोज एक आप कैंडल जलाओ आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपने सुना और आपने क्योंकि मैंने बोला तो आपने वो करना शुरू कर दिया, पर आपने उसको रियलाइज नहीं किया कि एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग। तो हर चीज के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक सिंपल कैंडल आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। बहुत पावरफुल, एक एक कैंडल आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। इवन मैंने सदगुरु को भी कहते सुना है, और मेरा एक वर्कशॉप है एक सेपरेट जिसमें कैंडल जला के आप अपने इमोशंस को बर्न कर सकते हो, अपने बिलीफ को खत्म कर सकते हो, अपना पूरा पैटर्न चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। और दूसरी बात, सदगुरु बोलते हैं अपनी रात में अपने कमरे में हमेशा आप एक छोटा सा कैंडल जरूर जलाओ। कैंडल इन द सेंस नॉट दैट दिया जला सकते हो, कैंडल तो कभी खत्म हो जाएगा जल्दी, पता नहीं चलेगा, एक दिया जला सकते हो। ये चीजें बहुत कॉन्ट, बट आपको अगर अवेयरनेस नहीं है कि हम ये क्यों करें, जस्ट कहने से नहीं करना है। सो हीलिंग इज नॉट अबाउट फॉलोइंग समथिंग, ये करते जानो करते नहीं, आप पहले खुद रियलाइज कीजिए, आप खुद अवेयर होइए कि ये हम कर क्यों रहे हैं। करने के बाद मुझे कैसा लगा, क्या उससे कुछ फर्क पड़ा। तो वो सारी चीजें जो है आपको रियलाइज करनी है करने से पहले, करने के बाद नहीं क्या चलो ठीक है हो गया होगा कुछ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू हैव योर फेथ कि हाँ उन्होंने बोला, और जिसने आपको कुछ बोला है पहले आप रियलाइज करो कि ये आपको करना भी है कि नहीं। यहाँ तो हम गॉडेस आइसिस का जो आशीर्वाद है वो लेके करेंगे, ओके। इनके बहुत स्पिरिचुअल बहुत पावरफुल मेडिटेशन होते हैं, बहुत पावरफुल मेडिटेशन होते हैं विद डिफरेंट एलिमेंट्स। तो मे बी के आई विल ट्राई टू डू हर मेडिटेशन विद ईच एलिमेंट एवरी टाइम, ओके। सो एवरीबडी अभी चले, सचिन जी रेडी, सो एवरीबडी क्लोज योर आईज, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Center yourself. Feel a beautiful energy in your heart. As you are breathing in and out, you are feeling a beautiful energy in your heart. आप अपने हार्ट में एक बहुत सुंदर एनर्जी महसूस कर रहे हैं। अब वो एनर्जी को आप एक सर्कल का रूप दे दीजिए, जो सर्कल थोड़ा सा टूटा हुआ है और जिसमें से वो ब्यूटीफुल एयर जो है, जो जो अग्नि है आपके हार्ट में, जो एक पावर है वो निकल के बाहर जा रही है, और आप उसको ध्यान से देखिए और उसी में आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सो व्हेन एवर यू आर ब्रीदिंग इनटू दिस सर्कल ऑफ द पावर ऑफ यू, पावर ऑफ योर ओन एलिमेंट, ब्रीद इनटू दिस पावर इन योर हार्ट एंड ब्रीद आउट। तो जब आप ये कर रहे हैं, आई एम कॉलिंग गॉडेस आइसिस टू ब्लेस ऑल ऑफ अस, बी प्रेजेंट, हील ईच एंड एवरी वन एंड गिव अस योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी आशीर्वाद दीजिए, हम सबको हील कीजिए, आप अपनी एनर्जी से सबको अट्यून कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सो जो गॉडेस आइसिस हैं वो इस समय आपके पीछे खड़ी हैं, आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए। गॉडेस आइसिस की जो एनर्जी है उसको आप फील करेंगे एज अ सपोर्ट, एक वार्मथ आपको फील होगी, एक हल्की सी गर्मी आपको फील होगी, आपको वाइब्रेशंस आएंगे। अब जबकि आप इस सर्कल के अंदर ब्रीद एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं, उस आपका ध्यान उसी सर्कल पे रहेगा जो थोड़ा सा टूटा हुआ है कि उसमें से एनर्जी बाहर आ सके। अब आप देखेंगे आप एक बहुत ही सुंदर पिरामिड के अंदर हैं, बीचों बीच में पिरामिड के, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं और आप मेडिटेट कर रहे हैं। एंड गॉडेस आइसिस उस पिरामिड के ऊपर एक साइड में सूर्य है और एक साइड में चंद्र है, उसको बैलेंस कर रही हैं आपके लिए। पिरामिड के एक साइड में चंद्र है, एक साइड में सूर्य है। देयर इज मून वन साइड ऑफ द पिरामिड, द सन द अदर साइड ऑफ द पिरामिड। और वो दोनों हाथों से, उनके बहुत बड़े हाथ हैं जो पिरामिड से बाहर निकल के दोनों की एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। और जो उन दोनों सूर्य और चंद्र की एनर्जी है वो बैलेंस होके मदर आइसिस के थ्रू आपके पीनियल ग्लैंड में जा रही है, जिससे आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों बैलेंस हो रहे हैं, आपकी नाड़ियां बैलेंस हो रही है, आपकी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस हो रही है, आपकी बॉडी के सारे एसिड बैलेंस हो रहे हैं। आप अपने पैरों में बहुत ही सुंदर एक कपड़ा पहने हैं जो गोल्डन और येलो कलर का है, जैसे इंडिया में धोतियां पहनते हैं उस तरह का कोई कपड़ा है वो, जो औरतें हैं वो अपने आप को एक सुंदर से धोती जैसे कपड़े में देख सकती हैं। एंड गॉडेस के बहुत बड़े फर हैं, उनके जो फैदर्स हैं वो पूरे फैले हुए हैं और वो सारे गोल्डन कलर के हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के हैं। जो मेल हैं उनके पास एक पटका है, एक शॉल है जो उनके शोल्डर पे है, वो भी येलो एंड गोल्डन कलर का है। और वो जब भी चाहें, अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको अपने परों के अंदर, अपने फैदर्स के अंदर, अपने विंग्स के अंदर आपको सेव कर सकती हैं। और वो कह रही है आपसे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जब भी आप चाहें मुझे बुला सकते हैं। एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर व्हाइट एंड गोल्डन रोब पहना हुआ है, उनकी येलो एंड गोल्डन ब्लाउज है जिसके ऊपर बहुत ही शिमरी, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन एंड पिंक स्टोल है। और उनके हाथ खुले हुए हैं और उनके विंग्स भी खुले हुए हैं, एंड उनके विंग्स से, उनकी पूरी बॉडी से गोल्डन लाइट आ रही है जो आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। इस लाइट को आप महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी की क्लेंजिंग हो रही है और आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। फील द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द विंग्स ऑफ गॉडेस आइसिस। आप बहुत ही हम्बली और ग्राउंडेड होकर के उनके इस ब्लेसिंग्स को लीजिए। अब आप अपने पीनियल ग्लैंड जो आपके सर के पीछे की साइड है वहां पे गॉडेस आइसिस अपना हाथ रखती हैं
और अपनी एनर्जी आपको पास कर रही हैं, आपको दे रही हैं। अब आप 3 times बहुत गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जैसे कि आप इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ले रहे हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उनके हाथ में से लाइट निकल रही है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, जो कि आपके स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ा रही है, आपको पीस दे रही है, आपकी हीलिंग कर रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप अपने दोनों हाथों को जोड़ के, जैसे हम नमस्ते करते हैं, इस लाइट को रिसीव करेंगे और आप देखेंगे कि जहां पे उन्होंने हाथ रखा है वहां पे बहुत ही सुंदर सूर्यमुखी जैसा एक फ्लावर है, जो किसी को ग्रीन कलर में दिखेगा और किसी को येलो में दिखेगा और हो सकता है गोल्डन कलर में भी दिखे। जिस कलर का आप देख सकते हैं आप वो कलर देखिए। सी दिस गोल्डन फ्लावर, ब्यूटीफुल येलो गोल्डन फ्लावर, ग्रीन फ्लावर इज रोटेटिंग बिहाइंड योर हेड, जहां पे पीनियल ग्लैंड होता है, इसको रोटेट करने दीजिए। अपने मन में इस ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोलते रहिए, से थैंक यू ईच एंड एवरी मोमेंट टू गॉडेस आइसिस। अब वो अपने विंग्स फैला के आपके सामने ले आती हैं, और जब वो अपने विंग्स फैला के सामने ले आती हैं तो आपको बहुत ठंडा महसूस होता है और आपकी बॉडी की सारी हीट निकल रही है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्किन, आपका फेस, आपकी पूरी बॉडी चमक रही है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में अपना ध्यान लगा के रखिए, यहां से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे आपका डीएनए एक्टिवेट होगा, अगर आपका कोई भी कनेक्शन इजिप्ट से रहा है तो वो डीएनए एक्टिवेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन आस्क फॉर लव, यू कैन आस्क फॉर हीलिंग, यू कैन आस्क फॉर फर्टिलिटी इन योर मनी और एज बेबी और चाइल्ड। You can ask for anything you want. You can ask more vitality to your body. आप अपने जीवन में प्रेम, खुशी और भी ज्यादा लाइफ, पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो वो मांग सकते हैं, मदरहुड मांग सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं इस समय। शी इज रेडी टू राइट नाउ गिव एवरीथिंग यू वांट। शी इज टोटली विद अस, हमारे साथ वो अभी भी प्रेजेंट हैं। बहुत बड़ा रूप है उनका, हम लोग तो बहुत छोटे दिख रहे हैं उनके सामने। उनके बहुत सुंदर बाल है। अगर आपको कोई मैजिक करना है अपनी लाइफ में तो वो मैजिक भी उनसे मांग सकते हैं। और आपका चंद्र अगर वीक है या मून एनर्जी वीक है तो वो भी आप उनसे मांग सकते हैं कि मुझे मून एनर्जी से कनेक्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर सिर्फ आप और गॉडेस आइसिस, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं।
अभी गॉडेस आइसिस आपके राइट हैंड में अपना राइट हैंड रख के आपको टच करके वो कह रही हैं कि आई प्रोमिस यू वेन एवर यू वॉन्ट मी टू कम आई विल कम एंड प्रोटेक्ट यू एंड हील यू. जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हील करने के लिए आऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. एंड आप भी उनको थैंक यू बोल रहे हैं. आप पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हैं, पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना एनर्जी, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी कहाँ से आ रहा है. आप सिर्फ उनकी तरफ उनको जाते हुए देख रहे हैं और आप बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने आपको इतना प्यार और इतनी हीलिंग दी और आपको सुना और आपको समझा और आपको प्रोटेक्ट किया. ये प्रोटेक्शन, ये फीलिंग हमेशा आपके साथ रहेगी. अब वो आपके पिरामिड से बाहर जा चुके हैं. आप अभी भी पिरामिड में बैठे हैं. अब आप धीरे धीरे उस पिरामिड से बाहर आते हैं और आप सूर्य की तरफ देखते हैं, चंद्र की तरफ देखते हैं. और आप जहां पे इस समय बैठे हैं, आपका मन कह रहा है कि मैं अब वापस जाता हूं या मैं वापस जाती हूं. और आप वापस अपनी इसी बॉडी में लौट आते हैं गॉडेस आइसिस के आशीर्वाद के साथ. आप अपने पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए, हाथों की उंगलियों को मूव कीजिए. ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए. जो लोगों को थोड़ी देर और बैठना है इसी मेडिटेशन में आप बैठ सकते हैं. जिनको चाहिए कि मुझे वापस आना है वो अपनी आंखें खोल सकते हैं. आप लोग 2 मिनट तक कोई भी बात नहीं करेगा. जिसको पानी पीना है वो पानी पी सकता है, थोड़ा वॉक करना चाहे तो वॉक कर सकते हैं. लेट ऑल द एनर्जी इंटीग्रेट इन योर बॉडी. कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? हाँ जी रोहित जी. मैम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम. एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पड़ रही है, मतलब पीछे से ना हार्ट बैक हार्ट चक्र पे एकदम बर्फ जैसा ठंडा ठंडा. और बहुत सारी फीलिंग्स हुई मैम. ऐसा लगा मैम बहुत मदरली लव फील हो रहा था. बहुत मदरली लव मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. इतना अच्छा लग रहा था. बहुत इमोशनल हो गया. बहुत अच्छा लगा मैम.
बहुत कुछ। मैं आपको बताऊं इतने सारे मैं मेडिटेशंस कराती हूं, मैं किसी मेडिटेशन में पूरा टाइम आंख बंद करके नहीं बैठती। ये पहली बार मुझे ऐसे लगा कि आंख खोलना ही नहीं है मुझे भी। मतलब बाहर आने का भी मन नहीं कर रहा था। पहला मेडिटेशन जहाँ पे शायद आप लोग स्क्रीन पे देखोगे मेरी आंखें बंद है, नहीं तो मेरी आंखें इधर उधर चलती रहती है, मैं सबको देखती रहती हूँ किसका क्या चल रहा है, एनर्जी रीड करती रहती हूँ मैं। पर ये पहली बार ऐसा था कि मैंने अपनी आंखें नहीं खोली है। अच्छा था मैम, बहुत मतलब शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मदरली लव ऐसा फील नहीं होता मैम, मेडिटेशन में ऐसा फील नहीं होता, मदरली लव तो नहीं हुआ मेरे को, मतलब पहली बार ही मैंने। व्हाट इज मदर एनर्जी, हु कैन नरिश यू, हु कैन प्रोटेक्ट यू इज द मदर एनर्जी। यस मैम, यस मैम, यस मैम, मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो ऐसे ही लगा कि भाई देयर इज समवन टू यू नो हु इज लुकिंग आफ्टर एवरी टाइम टू प्रोटेक्ट मी। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये वो मेडिटेशन नहीं था जो मुझे आपको कराना था, ये वो मेडिटेशन है जो अपने आप आया है आज। मतलब मैं ये मेडिटेशन ना कहीं सुना, मेरे को नहीं लगता आपको ये कहीं मिलेगा, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, पर इट वाज जस्ट हैपनिंग। मतलब मेरे को नहीं पता ये कहाँ से आ रहा था, इनफैक्ट आई वाज फीलिंग अ क्राउन ऑन माय हेड, मे बी ये मेरा कोई बर्थ रहा होगा इजिप्शियन में, मतलब इजिप्ट में, बट आई रियली डोंट नो वो था। नरेन जी हाउ यू फेल्ट, यू टू वर्क विद Yes, yes, एक नया मुझे गाइडेंस मिला है जो मैं चाहता हूँ सबके साथ शेयर करूँ। जी, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिली है मदर की कि नक्षत्र हीलिंग यू कैन डू विद दिस। तो 27 नक्षत्रों की हीलिंग अब मैं उस पर वर्क करूंगा गॉडेस की हेल्प से करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई मून, तो मून के 27 नक्षत्र कनेक्ट हो गए, तो डायरेक्ट मैं मतलब उस जोन में ही था एक्चुअली, पूरा उस ब्रह्मांड के एनर्जी को मैं देख पा रहा था कि हाँ नक्षत्र हीलिंग बहुत इजीली की जा सकती है। नाउ आई विल वर्क ऑन इट। सी इन लोगों का जो इजिप्शियन का है ना, मैंने आपको एक कहानी बताई, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना, अगर आप एक्चुअली इंग्लिश के इनके जो स्कल्पचर्स या मतलब स्कल्पचर्स नहीं, वो क्या बोलेंगे, जो स्क्रिप्ट्स इनकी लिखी गई हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा ये लिखा क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है कि ये दुनिया कैसे बनी, कैसे धरती आकाश अलग हो गए, ठीक है, हमारा अपना एक तरीका है, हम अपने हिसाब से बताते हैं कि भैया धरती कैसे बनी। सिंपल इन्वोकेशन करके आप नक्षत्र हीलिंग अगर करते हो तो इनडायरेक्टली यू आर हीलिंग योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। बहुत अच्छा आपने बताया, यू नो नरेन जी, मेरी एक क्लाइंट है जिसका शतभिषा नक्षत्र खराब है। हाँ, तो वो आप उनको दे सकते हैं, बिल्कुल। और एक्सप्लोर करूंगा अभी मैं इसको अच्छे से। हाँ, ये क्या है प्योरली, हाँ। ये सच में बता रही हूँ नरेन जी, मैंने अपनी आंखें आज नहीं खोली, आप लोग देखोगे और मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैंने उनको बुलाया है ना, आई वॉज जस्ट जर्किंग ऐसे, she was totally behind and totally kind of, you know, सबके पीछे मुझे लगा, because I, मेरा है तो intention सबके लिए था। नहीं, बहुत strong energy, बहुत strong energy थी आज की, मतलब I तो मतलब सबसे सबसे यही कहूँगा मैं तो, आप planetary healing, नक्षत्र healing जरूर करो, है आप देखो मजा आएगा, और जिसको knowledge है वो तो consciously करेगा तो और अच्छा होगा। मैम कैसे करनी है ये भी थोड़ा सा guide कर देना आप। यार simple invocation करो ना, इन्वोकेशन करके एक माहौल बना के कैंडल वैंडल जला के फिर आप मुझसे प्रेयर करो कि 27 नक्षत्र जो भी मेरी लाइफ में कहीं भी कुछ नेगेटिविटी है तो वो बैलेंस हो जाए, जहाँ एनहांसमेंट की जरूरत है वो हो जाए, और एंड में बोल दे फॉर माय हाईएस्ट गुड। और अगर आपको पता है कि आपका लोचा किस नक्षत्र में है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप उसी पर वो फिर फोकस्ड हो जाएगी, वहां पर हां फोकस्ड हो जाएगी। बट अगर जनरल भी जाएंगे तो डेफिनेटली शी नोज कहां करना है। नहीं, she was blessing everyone behind the back, यहाँ पे सबके हाथ उन्होंने रखा, और जैसे उन्होंने हाथ रखा था ना, it was like lighted पूरा। आप सबका आज DNA जरूर, मेरा आपको बताऊं, जो generally meditation होता है, it is very light, मतलब इतना कुछ नहीं होता उसमें DNA, PNA and all that, maybe कि I have that thing, I do DNA activations, तो I was feeling कि today everybody activated their DNA, and it was equally beneficial for the kids also. आपके बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल था। तरुण जी, आपका
पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा इस क्लास का, कैसा रहा ये? प्रीटी गुड एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत ही काम फीलिंग हुआ एंड आई वाज गोइंग इनटू दैट जोन, स्पेशली जब आपने कुछ कुछ बोला उस समय, देयर वाज अ इमेज कमिंग व्हिच आई वाज समथिंग न्यू आई हैव नेवर सीन एंड वो एक इजिप्शियन टाइप का ही था कुछ, आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट. तो हाँ बहुत अच्छा था फीलिंग, इट वाज प्रीटी गुड, वेरी काम फीलिंग. Even आप जब चाहे, whenever you are feeling fear, whenever you are feeling weak physically, whenever you are feeling there is no connection. See, अब आप देखिए goddess Isis की पूरी कहानी में it's all about connecting with each other. Disconnection बहुत थे, तो husband से उनका disconnection हुआ, उन्होंने उनको दोबारा जिंदा किया, फिर उनको baby हुआ. So kind of अगर आपका बच्चा आता है तो आपका connection आपके husband में वहां दिखता है ना, भले husband हो ना हो, बच्चा तो है. तो उन्होंने उस उसको रीबिल्ड किया, अपने हस्बैंड को भी जिंदा किया, बाद में अपने बच्चे को लेके आई वो, बिकॉज उनको कोई बेबी तो था नहीं, जब वो जिंदा हुए तब उनको बेबी हुआ. तो वो कनेक्शन उन्होंने फिर से बनाया. तो ये कहीं आपको अपने आप में डिस्कनेक्शन लगता हो तो आप प्लीज जरूर उनको कॉल करिए आज के बाद. ये बहुत ही यूनिक था, मतलब मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों ने क्या फील किया आपको पता होगा. तो ये गॉडेस आइसिस को ना आप आंख बंद करके आप बोलेंगे ना कि प्लीज आइए और ये करिए, तो आपका होगा आज के बाद, ठीक है ना? Where we can find more detail about goddess Isis? Now, like, so you are going to know everything. Every Monday and every Friday there is goddess Isis with you. Because ये जो आप कार्ड सीख रहे हैं, it is not only learning the card. This is a kind of a process of your life. Cards तो एक मीडियम है हर चीज का, बट आप बहुत गहराई से गॉडेस आइसिस और उनकी चीजों को समझेंगे इन कार्ड्स के साथ, ठीक है ना? सो नाउ और कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? मैम सचिन हियर. मैम स्टिल आई एम फीलिंग सम वाइब्रेशन इन माय हेड, मींस 5 मिनट्स गॉन, बट तो मतलब जब कंप्लीट करके मैं उठा था तो यू कैन सी, मतलब I was tapping my head. इतनी ज़्यादा vibration थी head के अंदर. बहुत high energy थी जिस समय मैंने उन्हें बुलाया. मैं कभी ऐसे भी नहीं बुलाती हूँ. मुझे लगता है भगवान सब इधर ही है तो उनको ऐसे खोल के आते हैं. पर today my hands were open when I was calling her. It was really powerful. रोहित जी को तो भूख ही लगाई. मैं अभी कुछ कर सकती हूँ? कहा बेटा तुम खाओ. जो चीज आपको लगता है अननेसेसरी है मेरी बॉडी में, आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो. और जो लोगों का घर नीचे है, भाई हमें तो भगवान ने पहाड़ों पे भेज दिया है, 5वां माला 10वां माला रहो बॉम्बे में, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप नीचे जमीन ना है तो आप दोनों हाथों को जमीन पे रख के और गॉडेस आइसिस को बुलाओ, नहीं बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मदर खुद ही एक गॉड है. तो उनको बोलो कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो मेरे लिए हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, आप उसको ले लीजिए. हमें मगर फ्लोर पे रहते हैं करके सारी एनर्जी अंदर चली जाती है. हमें मगर हम भी हवा में है, फ्लोर पे है, तो फिर मैम उस केस में तो सिंपल आप बिल्कुल हाथ नीचे करके वैसे ही दे दीजिए. कुछ है तो अर्थ के ऊपर ही, पर जो लोग अर्थ पे रहते हैं उनको फायदा बहुत, उनकी ना हमेशा कंटिन्यूस ग्राउंडिंग रहती है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपका रूट चक्र अच्छा रहता है, ठीक है. बनवालों 22वें वाले में पहुंच जाओ हवा में, तो हवा में ही रहता है ना आदमी 22वें वाले में पहुंचने के बाद. देखा है कभी उसकी ग्राउंडिंग होते हुए? दिमाग ऊपर ही रहेगा हमेशा. मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग जिनको पैरों में दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो धरती पे नहीं रहते. अगर आप 10 दिन जमीन पे बैठ जाएंगे ना, 1 घंटा अगर आप रोज जमीन पे बैठ के कुछ काम करेंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, गारंटी. ओके, सो एक्चुअली टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. तो कोई और चाहता है शेयर करना अपना एक्सपीरियंस? हाँ श्वेता जी, कैन यू प्लीज टेल अस?
I didn't felt any vibration or something, but I was more of connected with my thoughts. How was it? How your feelings are connected? Connected to what? I didn't felt any vibrations or anything like that in meditation. But how your thoughts are connected emotionally? Maybe some pattern was working. So you have a lot of emotional baggage. तो लेके गए होंगे ना? No, see, God and goddesses always follow your free will. Okay. आप मंदिर ना जाओ, कुछ ना करो, तो आपका कोई भी बुरा इम्पैक्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा ना. Now you acquire the free will. Okay. देखो, free will भी आपकी ऑरा का एक पार्ट है. अगर आपने ऑरा का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसमें आपका फ्री विल एक पार्ट है. जब वो फ्री विल होता है तब आपकी बॉडी से कोई भी कारण निकाला जा सकता है. जैसे भाई किसी को काल सर्प दोष है, किसी को पितृ दोष है, जब तक कि आप फ्री विल नहीं दोगे किसी को कि यस आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस, आपको कोई उसमें से बाहर नहीं निकाल सकता. भगवान सामने खड़े रहेंगे पर आप कहोगे ठीक है यार तुम्हें चाहिए तो तुम कर दो हमें कुछ प्रॉब्लम, भगवान कहेंगे इट्स ओके, मेरे को क्या करना है, तुमने मांगा था हमने दिया था, अब तुमको ही नहीं पड़ी तो हमको क्या पड़ी. व्हाट इट वाज सैडनेस नहीं था मैम, इट वाज नॉट सैडनेस. सो यू आर फीलिंग इमोशनल ऐसा? या द गॉड वाज लाइक अपन दैट इज हाउ ही वाज टॉकिंग. सी इट्स गुड, सो मे बी देयर इज सैडनेस. बिल्कुल नहीं था. Yeah, अभी तो हम बहुत सारे मेडिटेशन करने वाले हैं, सो डोंट वरी. आज आप अपने आज आपने हमको बोला था मेरा एक कार्ड निकला था टू टेल वे करके, तो आप मुझे देंगे? मैं एक काम करती हूँ, वो मैं आपको पर्सनली भेज देती हूँ उसका डिटेल रिचुअल्स का, बिकॉज अभी जितने लोग आए हैं ना उनमें मैं वापस वही कार्ड्स लेके आऊंगी और फिर मैं उनके बारे में. सबसे पहले मैं चाहती हूँ सबका ना सोल रिट्रीवल सबका हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों से कितने धोखे खाए हैं, कितना दुख उठाया है, कितने ट्रॉमास लगे, उन सब की हीलिंग हो जाएगी. तो आज तो वी हैव लाइक ऑलमोस्ट ओवर द टाइम, बिकॉज उसमें टाइम लगेगा, पहले मुझे पूरा समझाना पड़ेगा आपको, सो दैट यू कैन कनेक्ट मोर विद दिस प्रोसेस. ओके, वो प्रोसेस समझना जरूरी ना, कर क्यों रहे हैं. डंडा मार के बिठा के नहीं चलो करो सोल रिट्रीवल हो जाएगा, तो नहीं होता है. यू हैव टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग विद थिंग्स कि भाई ये मैं कर रही हूँ और या मैं कर रहा हूँ तो इससे मेरे को क्या फायदा होने वाला और कैसे मुझे इसके बारे में सोचना है. ये सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोसेस करो उसके उससे आपकी सोच बदलनी चाहिए. Okay. उससे कनेक्शन होना चाहिए प्रोसेस से, राइट? तो वो प्रोसेस आपका मैं करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को, नहीं सॉरी मंडे को. ओके, ठीक है, ठीक है मैम. मंडे को हम लोग मिलते हैं, सो मे बी कि उस दिन शायद हम दो प्रोसेस आराम से कर पाए. ठीक है, कुछ कार्ड्स बहुत यूनिक है, कुछ कार्ड्स में थोड़ी स्टोरी है, तो मे बी कि एक दिन में हम दो दो तीन तीन चार चार कार्ड हमको लेने पड़ेंगे, तो वो कुछ कार्ड्स के बहुत सुंदर मेडिटेशन है वो हम करेंगे. कुछ कार्ड में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ समझना है तो वो आप समझ सकते हैं, सो दैट आई कैन टेल यू और यू कैन टेल योर क्लाइंट्स कि आप ये कार्ड आया है तो आपके लिए क्यों आया. तो इस तरह से. अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो है इसका मैं लिंक ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग उस लिंक से आप खुद कार्ड्स मंगा सकते हैं, पर स्टिल आई एम ट्राइंग विद अ पर्सन, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो कार्ड्स मिल रहे हैं वो प्योर नहीं है, वो इंडिया मेड हैं और उनमें अच्छी एनर्जीज नहीं होती, ऐसा उनका कहना है. तो मैंने कहा ठीक है आप पॉकेट एडिशन मंगा दीजिए जो ज्यादा कुछ आता है. मैंने तो बहुत पहले लिए थे और फिर बहुत काम किया इनके साथ तो मुझे बहुत कनेक्शन हो गया इनसे. तो आने वाले टाइम में अगर एक दो दिन में मुझे पता लग जाता है कि भाई हाँ उनके पास है वो मंगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इंडिविजुअली आपको जैसे यूज करना है वैसे यूज कर लीजिए. और अगर आप कार्ड नहीं भी यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इज परफेक्टली फाइन. आप रिचुअल्स को यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको पता तो ये सब चल ही जाएगा कि इतने सारे जो प्रोसेस इसमें बताए हैं उसका वो हम किस लिए करना है, तो वो पूरे नोट्स आपके पास रहेंगे. कुछ तो मैंने कार्ड्स के नोट्स बना दिए, कुछ अभी रह गए तो वो करके मैं आपको सारे नोट्स भेज देती हूँ. ठीक है, चलिए. सो हम लोग मंडे मिलते हैं फिर. आप लोगों को सबको पानी बहुत पीना है, सबको, क्योंकि जो आज अट्यूनमेंट हुआ है उससे आपकी बॉडी के डेड सेल्स निकलेंगे. जी प्रवीण जी, आप बोलिए. जो मेरा बैकबोन है ना नीचे से बहुत हैवी लगा मेरे को ड्यूरिंग द मेडिटेशन.
अच्छा तो लेकिन उसके बाद जब मूवमेंट किया तो थोड़ा सा ठीक हो गया उस समय, लेकिन मेडिटेशन के उसमें बहुत हैवी लगा मतलब वहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब आपकी कुछ हीलिंग हो रही है वहाँ पे। कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके अपनी बैकबोन से कनेक्ट कीजिए अपने माइंड को, और ब्रीद इन कीजिए बैकबोन में और ब्रीद आउट कर दीजिए, ठीक है। तो उससे आपकी बैकबोन में जो हैवीनेस है वो पूरी निकल जाएगी। बॉडी के पार्ट में कोई भी रिचुअल करने के टाइम कोई भी दिक्कत हो या हैवीनेस हो या हल्का पेन हो, आंख बंद कीजिए, उस बॉडी पार्ट के बारे में सोचिए, ब्रीद इन करिए, सिर्फ वही पार्ट में जा रहा है हमारा ब्रीद, ऐसा आप सोचिए और फिर ब्रीद आउट कर दीजिए, वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है जी। रूपाली जी, मैम मैं ड्यूरिंग मेडिटेशन ना मुझे बहुत योनिंग हो रही थी और आंखों में से पानी बहुत जा रहा था, तो क्या इंडिकेशन है? Even I was full of water. You are relaxing. आप रिलैक्स कर रहे थे, आपका प्रॉपर मेडिटेशन हो रहा था, एंड मे बी की क्या होता है, योनिंग, स्नीजिंग या बर्पिंग, ये सब ना ब्लॉक्स खोलते हैं। जैसे अगर हमको बर्पिंग ना हो तो गैस भर जाएगी ना पेट में, सेम वे जब आप मेडिटेट करते हो तो ये योनिंग होगी या आपको स्नीजिंग हो जाएगी या कभी आपको ऐसे सर घुमा घुमा लगेगा, दिस इज ऑल लाइक एनर्जीज आर टेकिंग देयर प्लेस। अभी भी ये थोड़ा हैवी है। क्योंकि वहाँ गॉडेस आइसिस ने हाथ रखा हुआ था ना, तो जो पीनियल ग्लैंड है, अभी क्या शक्तिपात कैसे देते हैं नरेन जी, आप शक्तिपात देते होंगे, ठीक है, तो शक्तिपात आपके पीनियल ग्लैंड में ही जाके इंटीग्रेट होता है, तो ये एक तरह का आपको शक्तिपात मिला है, गॉडेस आइसिस शक्तिपात। तो क्या होगा, आप सबको पानी पीना है, बॉडी में बहुत हलचल मचेगी, और आज का तो अलग ही था, तो पानी पीजिए आप बहुत अच्छे से। मुझे तो बहुत सारी लाइट्स दिख रही थी। वाओ, चलो आप पास में हो तो मैं आपको हग कर लेती लाइट्स के लिए कि थोड़ी बहुत लाइट मुझे भी मिल जाए। ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है मुझे, आज पहली बार हुआ। सेम हियर। नहीं अभी ये तो जस्ट अ बिगनिंग रूपल जी, इज जस्ट अ बिगनिंग। यस, मुझे इतना स्वीट लगता है, सुधा मैम हमेशा कॉल करके पूछती है मैम क्लास है ये है, मैम बहुत वो बहुत स्वीटली बात करती है, मतलब पता नहीं मुझे समझ नहीं आता मैम को, मतलब समझ में आता है कि नहीं कितना क्या, मतलब इफ आई कैन हेल्प हर मोर, बट शी इज वेरी स्वीट, उनकी आवाज मेरे को समझ में सब आता है। अच्छा, तब तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं आपको सिखा पाती हूँ। हाँ, बहुत समझ में आता है। नहीं, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, सो सब लोगों को पानी पीना है। अगर कोशिश कीजिए, अगर आप फ्रूट्स ज्यादा ले, रोटियों से ज्यादा चावल या दलिया खाए वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब इस तरह का एक्टिवेशन होता है तो बॉडी के पास काम करने को बहुत कुछ होता है, तो उसको ज्यादा खाना मत दीजिए भर भर के, तो जूसेस, फ्रूट्स, सूप, सात्विक आहार सात्विक के अलावा थोड़ा लाइट। थैंक यू सो मच मैम। गुड नाइट।